हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन। आज की वीडियो बताने वाला है इसमें जितने भी हिडन फीचर और जितने भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे, जो कि आपके डेट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, वो सभी कुछ मैं बताने वाला हूँ। जैसे कैमरा के अराउंड, रिंग लाइट, बहुत सारे इसमें वगैरह वगैरह बहुत फीचर देखने को मिलते हैं, जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा, और वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करूँ तो इस ओप्पो 6 प्रो में आप यहाँ पर माउस एंड कीबोर्ड को यहाँ पर चला सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। जैसे कि मैं अभी अपने फ़ोन के अंदर चला रहा हूँ, देख सकते हैं एरो, और किसी भी जैसे कैमरा एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो ये परफेक्टली तरीके से वर्क करता है। अगर आपके पास वायर वाला है तो वायर के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं OTG के थ्रू, जो कि आप कीपैड और माउस दोनों यूज कर सकते हैं। निकल के आ रहा है वो, उसको भी प्रेस एंड होल्ड करेंगे और यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा एक लेआउट का ऑप्शन। अब देखते हैं एक लाइन के अंदर आपको कितनी एप्लीकेशन चाहिए, 5, या जितनी अगर आपको 4 करनी है तो 4 कर दीजिए। इस प्रकार से इस लेआउट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और रो को भी कर सकते हैं। अगला फीचर भी आपको यहीं देखने को मिलता है, इस पर जाइए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मोर का ऑप्शन। मोर के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन मोड का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपके फ़ोन के अंदर आपको ऐप ड्रॉवर नहीं रखना, स्टैंडर्ड मोड रखना है, सिंपल मोड रखना है, तो सिंपल भी आप रख सकते हैं। स्विच करूंगा मैं अपने फोन के अंदर, स्विच करने के बाद यहाँ पे आई थिंक ऐप ड्रॉवर रिमूव हो जाएगा और सिंपल मोड के अंदर ये आ चुका है। तो इस प्रकार से अगर आपको ऐप ड्रॉवर चाहिए तो ऐप ड्रॉवर रख सकते हैं, अगर आपको ऐप ड्रॉवर नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ऐप ड्रॉवर को अनेबल कर लेता हूँ, जैसे कि ड्रॉवर मोड मुझे ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो आपको जो भी चाहिए, जैसे कि ऐप ड्रॉवर आप देखते हैं अनेबल हो चुका है। की बात करूँ तो वो भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। ऐप लेआउट मैंने बता ही दिया आपको, और यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल सर्च चाहिए या नोटिफिकेशन ड्रॉवर चाहिए। अब नोटिफिकेशन ड्रॉ पे करूंगा, यहाँ पे स्वाइप करूंगा तो नोटिफिकेशन ड्रॉ खुलेगा। अगर यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च बार वहाँ पे खुलने लगेगा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ वापस से, यहाँ पे करता हूँ मैं ग्लोबल सर्च और यहाँ पे करता हूँ और इस पर इस प्रकार से सर्च बार खुलने लग जाएगा। की बात करूँ तो वो भी मिलेगा आपके मोबाइल के होम स्क्रीन में। प्रेस एंड होल्ड कीजिए और यहाँ पर हम जाते हैं मोर के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक रेस टू वेक का फीचर है, इसके अंदर अपने फोन को थोड़ा सा भी यहाँ पर स्केक करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अपने फोन को आप यूज़ करना चाहते हो, तो कर ले भाई ये रेस टू वेक। तो इस प्रकार से देखते कोई बटन आपको दबाने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक अपने फोन को जैसे ही सेक करेंगे तो समझ जाओगे अपने फोन को यूज करना चाहते हैं। और एक और फीचर देखने को मिलता है डबल टैप टू लॉक। अब डबल टैप टू क्या चीज़ है आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए अपने फोन के अंदर जाऊंगा, होम स्क्रीन पर जाऊंगा और डबल टैप करूंगा तो आपका फोन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट उस फीचर की बात को तो इसके अंदर आपको एक वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइव वॉलपेपर इसके फोन के अंदर लगा सकते हैं। वॉलपेपर में जाइए। अब लाइव वॉलपेपर तो सारे फोनों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा यूनिक टाइप का आपको पाया जाता है। जैसे कि अब मैं लाइव वॉलपेपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं इसमें अलग अलग इफेक्ट के आपको देखने को मिलते हैं। रेनो 6 प्रो के लिए कस्टमाइज किए गए फिलहाल के लिए, अभी रेनो 6 के लिए, तो देखते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट के साथ आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है। फीचर की बात को तो वो भी मिलता है आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग में। सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे एक मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो अपने फोन को डार्क मोड में आप कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे फोन आपका पूरा का पूरा डार्क मोड में चला जाएगा, जो कि आपकी बैटरी कंज्यूम को भी काफ़ी ज़्यादा कम करेगा। देखते कंट्रोल से एंटर से लेकर काफ़ी चीज़ें आपकी डार्क मोड में चली जाएगी। डार्क मोड में सेटिंग करके आप मीडियम भी कर सकते हैं अगर आपको जिस प्रकार का डार्क मोड चाहिए। हालांकि आप इस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करोगे तो आपकी बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा कम होगी, और यहाँ पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जिस ऐप पर आपकी वर्क नहीं करती डार्क मोड, उस पर आप इसको अनेबल कर सकते हैं, ऑटो स्विच भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको लाइट मोड कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक आई मोड या रीडिंग मोड भी आप इसे बोल सकते हैं। तो अगर आपकी आंखों में ज़्यादा पानी आती है तो अगर आपकी आंखों मतलब आई मोड का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो आई मोड का यूज़ कीजिए, जिससे आपके मोबाइलों का असर आप पे कम पड़ेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर का ऑप्शन, और यहाँ पे स्क्रीन कलर मोड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट उस फीचर की बात को तो यहाँ पर देखने को मिलता है वीडियो कलर का एक ऑप्शन, इसमें जाके आप वीडियो के कलर को इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए, यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि पहले इस टाइप का था, और इसको एबल करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के कलर्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ फीचर की बात को तो यहाँ पे आप देखते हैं फॉन्ट को मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है इस फोन के अंदर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट पाया जाता है। आप स्टैंडर्ड या हाई पे क्लिक करेंगे तो आपका मतलब 90 हर्ट्ज़ पे चला जाएगा और आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम की बात को तो वो आपके मोबाइल के टॉगल के अंदर देखने को मिलता है। टॉगल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैक स्क्रीन मोड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैक स्क्रीन मोड में चला जाएगा, और स्वाइप करेंगे तो इस प्रकार से अगर आपका फोन यूज़ नहीं हो रहा तो ब्लैक स्क्रीन मोड में आप कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर टाइम
भी शो करेगा। वैसे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे आपको देखते हैं स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अगर आप गेम प्ले करते हैं, ज़्यादा गेम खेलते हैं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने अदरवाइज किसी भी काम के लिए, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप इस फोन के अंदर आपको कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, 60 FPS पर करना तो 60 FPS पर भी कर सकते हैं मोर पर जाके, तो बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन देखने मिलते हैं, वो आप चेकआउट कर लेना। और कुछ फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, यहाँ पे म्यूट नोटिफिकेशन पे, इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्लिक में कोई भी नोटिफिकेशन आएगी उसके जो साउंड आता है उसको म्यूट कर देगा, साउंड आते रहेंगे लेकिन जो नोटिफिकेशन का साउंड है उसको एक बार के लिए म्यूट कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और इस फ़ोन के अंदर आपको एक ऐप लॉक का फीचर भी देखने को मिलता है, जैसे कि इस ऐप लॉक पर क्लिक करते हैं, किसी भी ऐप पर आप लॉक लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे तो आपसे नया पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आपसे जो भी ऐप आपके फ़ोन के अंदर होगे तो उस पर ऐप लॉक लग जाएगा, जब भी कोई उस ऐप को ओपन करेगा तो उससे पहले आपको लॉक मांगा जाएगा। की बात को तो वो मिलता है मोबाइल की सेटिंग के अंदर, सेटिंग में जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है रिसेंट टास्क मैनेजर, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले रैम मेमोरी का एक ऑप्शन होगा, इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर जो भी मेमोरी आप होगी रैम यूज़ हो रही होगी वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा, इसको ऑफ करते हुए रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पर कोई भी आप OTG कनेक्ट करते हैं तो इसे आपको ऑन करना पड़ेगा, उसी के बाद OTG वर्क करेगी। और कुछ फीचर की बात करूँ तो और कुछ फीचर यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता। हम चलते हैं बैक और यहाँ पे हम चलते हैं ऐप मैनेजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको शायद तक ऐप क्लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब अपने फ़ोन के अंदर ड्यूल फेसबुक यूज कर सकते हैं, अगर आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल कर रखा तो यहाँ पे व्हाट्सअप का भी ऑप्शन आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे जो भी ऐप इंस्टॉल करेगा तो उसको आप ड्यूल ऐप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें खास बात यह है कि ओप्पो के फ़ोन के अंदर आप अनइंस्टॉल ऐप को भी रिकवर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब उसका कोई डाटा पड़ा है तो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ओप्पो के फ़ोन के अंदर ये काफ़ी अच्छा फीचर लगता है कि अनइंस्टॉल ऐप को भी आप रिकवर कर सकते हैं। और कुछ फीचर की बात करूँ तो ऑटो लॉन्च ये सारे वैसे ही देखने को मिलते हैं जो कि बाकी सारे फ़ोन में पाए जाते हैं। फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे एक टूल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेविगेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर जैसे कि आईफोन के अंदर होता है बिना बटन के अपने फ़ोन को यूज़ करना रहता है तो इस प्रकार से बैक होगा, कोई भी आपको बटन नहीं शो करेंगे। और यहाँ पे एक नेविगेशन बार भी आपको देखने को मिलेगा, बिना किसी बैक जाए किसी भी ऐप से दूसरे ऐप में स्विच हो सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। तो इसे आप हाइड गेस्चर पर करेंगे तो नेविगेशन बार भी रिमूव हो जाएगा, और बटन पर क्लिक करके बटन पर क्लिक कर सकते हैं और बटन को मिरर भी कर सकते हैं, बैक वाला बटन इधर चाहिए या लेफ्ट साइड चाहिए या लेफ्ट साइड चाहिए, तो वो सब कुछ आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट उस फीचर की बात करूँ तो वो मिलता है आपको गेस्चर एंड मोशन का, इस पर क्लिक कीजिए, अलो कीजिए और तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर और इसको ऑन कर देता हूँ। अब ये फीचर अपने मतलब ऐड गेस्चर भी कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ओ मान लूँगा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ओ पे क्लिक करने के बाद देखते हैं हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार का कुछ फीचर देखने को मिलता है, वी पे क्लिक कर देंगे और जो भी आप डब्लू पे कुछ व्हाट्सअप रखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो गेस्चर का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फोन के अंदर जैसे कि पता है, और स्क्रॉल करके लार्ज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप देखते हैं मतलब बहुत लंबा एक स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो जो इस प्रकार का कुछ फीचर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे इसको राइट साइड चाहिए लेफ्ट साइड चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक असिस्ट बोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे अनेबल करने के बाद तो यहाँ पे आप टैब मेनू करेंगे तो मेनू आपको शो करेगा टैब करने पर, अगर आपको इस प्रकार से करना है सिर्फ वन टैब में बैक होगा, कोई भी मेनू शो नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखते हैं स्मार्ट स्लाइडर आपके फ़ोन के अंदर अनेबल है ऑलरेडी, तो ये देखते हैं इसमें जो भी ऐप आप रखना चाहते हैं, जो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, अगर आपका यूज़ नहीं है तो इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्लाइड बार। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्यूक लॉन्च, क्यूक लॉन्च कैसे वर्क करता है, अपने फ़ोन के अंदर आपने फिंगरप्रिंट लगा ले, फिंगरप्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ इसको और यहाँ प्रेस एंड होल्ड करता हूँ 2-3 सेकंड के लिए, तो देखते हैं किसी भी ऐप को यहाँ पे क्यूक लॉन्च कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है। बस फिंगरप्रिंट पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है लॉक खुलने के बाद भी, इसमें अपने हिसाब से आप ऐप भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐप आपकी ज़्यादा यूज होती है तो उसको क्यूक लॉन्च आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको स्प्लिट स्क्रीन वाला देखने को मिलता है, 3 फिंगर आप नीचे से स्वाइप करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन में आपकी ये विंडो चली जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है, एक साथ 2 ऐप आप यूज कर सकते हैं, तो इसका भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फीचर की बात को तो वो मिलेगा आपको प्राइवेसी के अंदर, प्राइवेसी के अंदर सबसे पहले आप ऐप लॉक लगा सकते हैं किसी भी ऐप पर, और साथ साथ हाइड ऐप भी कर सकते हैं, जो भी आपके आइकन्स हैं उसको हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद वो हाइड ऐप हो जाएगी जो भी आप करना चाहते हैं।
प्राइवेट सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिस्टम क्लोनर का ऑप्शन, मतलब एक फ़ोन में आप दो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है दो व्हाट्सएप, एक फ़ोन में दो फ़ोन यूज़ करना, वो फ़ोन अलग चले और ये फ़ोन अलग चले, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और कुछ इसमें ज़्यादा फीचर नहीं देखने को मिलते। हम चलते हैं बैक और पासवर्ड के अंदर जाएंगे तो वही आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, कोई भी आपको नया चीज़ नहीं देखने मिलता। फीचर की बात को तो अपने नोटिफिकेशन स्टेटस में जार में जाएंगे, बैटरी परसेंटेज को यहाँ पे शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपका नेट में स्पीड यहाँ पे शो करे कितना स्पीड आ रही है, वो भी यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और कुछ फीचर की बात करूँ तो और कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। मैनेज नोटिफिकेशन में बात करें तो आपको, अगर आपको बबल नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी कोई टेलीग्राम से मैसेज या मैसेंजर से कोई मैसेज आता है, तो यहाँ पे गोल टाइप में एक बबल नोटिफिकेशन आता है ना, उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक फीचर दिया गया। और कुछ फीचर की बात करूँ तो मोर के अंदर जाके नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर देंगे, बाई चांस आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है वो स्वाइप हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, तो इसके अंदर ऑन करने के बाद यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आपके अंदर दिन के अंदर आएगी वो यहाँ पे भी शो करने लगेगी, तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं क्या नोटिफिकेशन की बात को। तो वो मिलेगा आपको पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं, ये सारे फीचर तो नॉर्मल है। एक देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, इसमें बहुत सारी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इस प्रकार की कस्टमाइजेशन चाहिए, इस प्रकार की आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिजिटल चाहिए यहाँ पे ये कर सकते हैं, बैटरी भी शो नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब कस्टमाइजेशन बहुत दी है AOD के अंदर और यहाँ पे बहुत सारे आपको वॉइस फेसेस देखने को मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप इसके पावर सेविंग टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम से कितने टाइम होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कुछ फीचर की बात करूँ तो इसके कैमरा के अराउंड रिंग लाइट भी हम इनेबल करेंगे, तो वीडियो में अभी एंड में बने रहिए और देखते हैं। आइकन स्टाइल वगैरह मैंने बता दिया, वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। लेआउट आपका देखने मिलता है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्टाइल का एक ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप का आपको देखने मिलता है, फिंगरप्रिंट किस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिले जब भी फिंगरप्रिंट से हम फोन को अनलॉक करें, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे सेटिंग का कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए इस प्रकार से कीजिए, तो सॉरी सेटिंग इसी प्रकार किस कलर की आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं सारी सेटिंग वगैरह जो भी मैंने ऑन की है तो इस कलर की आपको देखने को मिल रही है। फीचर की बात करो तो वो भी शायद तक मोबाइल की सेटिंग में देख लेते हैं। पर्सनलाइजेशन में फॉन्ट वगैरह का चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ड्रॉवर वगैरह की आप मतलब इस प्रकार से आपको सेफ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सेफ चाहिए। देखते हैं नोटिफिकेशन पैनल का, इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा, इस प्रकार से करने पे, इस प्रकार से सिक्योर टाइप में जो भी आपको रखना कर सकते हैं। और एक देखने मिलता है एक एज लाइटिंग का फीचर, जी हाँ ये काफ़ी तक कमाल का फीचर है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो एज लाइटिंग आपकी इस प्रकार से इफेक्ट करेगी, जो कि है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर, जैसे कि आप कलर आपको चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। देखते हैं इस प्रकार से अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर आप रिंग लाइट को किस प्रकार से अनेबल कर सकते हैं अपने फोन। अनेबल करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है रिंग रिंग बैटरी इंडिकेटर पंच होल। इसको अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आपको लिखना है रिंग रिंग बैटरी इंडिकेटर या रिंग रिंग भी लिखेंगे तो भी आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार का कुछ आइकन आपको देखने को मिलता है, इसको अनेबल करना है, यहाँ से ओके करना है। और यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, मतलब इसको आप पहले आपके इस कॉर्नर पर होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेटअप करते हैं ना तो बिल्कुल इस कॉर्नर के अंदर होता है, तो आपको इसकी पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो मैंने इसकी पोजीशन ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, आपको भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जब फर्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ पे मूवमेंट स्पीड आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको मूवमेंट करवाना है अपनी रिंग की। उसके बाद यहाँ पे आप उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख रखा है 51 से 75% बैटरी होगी तो येलो कलर आना चाहिए, 21 से 50 में मैंने येलो कर रखा है, सारी जगह येलो कर रखा है, 0 से 25 मैंने रेड कर रखा है। तो अपने हिसाब से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डॉट कलर का भी बटन का भी येलो कर सकते हैं, सभी चीज़ यहाँ पे आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपको बैटरी इंडिकेटर के रूप में भी काम करेगा, जैसे कि आपने जो कलर सेलेक्ट कर रखा होगा उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतने परसेंट इस फोन के अंदर बैटरी है। तो इस प्रकार से अपने ओप्पो रेनो 6 5G के अंदर आप यहाँ पे कैमरे के अराउंड रिंग लाइट भी लगा सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके AOD के अंदर कुछ इस प्रकार का आपको रिंग लाइट का फीचर देखने को मिलता है, कैमरे के अराउंड रिंग लाइट और यहाँ पे देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आपका फोन कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, किसी भी फ्रेंड को दिखाएंगे तो वो कहेगा कहाँ से इसको अप्लाई किया, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, उसको भी पता लग जाएगा इस प्रकार से अपने फोन को सेटिंग वगैरह सब में शो करेगी। तो यही था ओप्पो रेनो 6 प्रो के ट्रिप्स एंड टिप्स। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टैग के रन, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।